बच गया साला। अबे मैं भी देखता हूँ कब तक बचता है। अबे दूल्हा नहीं सही, दुल्हन सही, चाहे कुछ भी हो जाए इस दुल्हन को मंडप तक नहीं पहुंचने दूंगा मैं। आ जा फटाफट। बस भाई बहुत बढ़िया। पाजी बाकी सब तो ठीक है लेकिन दूल्हा कहाँ है? अबे दूल्हे को उठाने गया था मैं, कोई बीच में आ गया, सारा पूरे प्लान पे पानी फिर गया यार। लेकिन कोई बात नहीं, सुन दुल्हनिया को उठा के लेके चलते हैं अपने अड्डे पे। फिर दूल्हे राजा को मैं फोन करूंगा ना, हाँ, इसके बदले में पैसे के लिए, तो दूल्हे राजा खुद ब खुद चल के आएगा मेरे पास, वो भी पैसे लेकर आएगा। अरे पाजी बाकी सब तो ठीक है पर ये बताओ ये दुल्हनिया को यहाँ से कैसे लेके जाएंगे, और ले जाते वक्त अगर इसे किसी ने देख लिया तो? अबे हजार तरीके होते हैं, टीवी भी नहीं देखता क्या है? कुछ तो मिल जाएगा यार। हाँ वो देख, ले चल इसको, चलो तुम दोनों गाड़ी चलो रखना और पीछे का दरवाजा खुला रखना, जाओ 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 जल्दी जाओ। तेरी शादी तो होने से रे, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात करके आता हूँ, ठीक है? वरना ब्रेकअप कर लेगी। जब इसको पता चलेगा ना कि इसकी होने वाली दुल्हनिया यहाँ से गायब है, तब ये मेरे पास आकर के भीख मांगेगा और फिर मैं इसे बताऊंगा कि दलेर से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। बाबा जी ये सच में आपकी मेहर है जो संजू नीति से शादी करने के लिए तैयार हो गया, वरना मैं तो ना चैन से जी पाती ना ही मर पाती। अब दुल्हन को बुलाइए। जी बहन जी, तुसी रहन दो, मैं लेकर आती हूँ। सुखविंदर बहन जी, नीति तो अपने कमरे च नहीं है। कमरे नहीं? नहीं, अरे कहाँ गई होगी? शायद परी के साथ होगी, चिंता नहीं करो आ जाएगी। हाँ। लो जी मम्मी जी मैं आ गई। वो मैं ना बाथरूम में थी जब आपने आवाज दी, थोड़ा सा मस्कारा ठीक कर रही थी। तू मुझे आवाज तो दे दी थी, मैं तुझे बुला रही थी। मैंने आवाज दी थी आपको, आपने सुनाई नहीं। चल छोड़ कोई गल नहीं, अच्छा पंडित जी बुला रहे। चलो जी। नीति आज तेरा ब्याह है, कम से कम आज तो थोड़ा शर्मा ले दुल्हन की तरह, आज भी डांट खा रही है सबसे। चला अब हस्त मिलाप का मुहूर्त हो चुका है, अब अपना हाथ आगे बढ़ाइए। थैंक यू किस लिए? तुमने ये सहरा पहन लिया इसलिए मुझे घूंघट निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, वरना इतनी गर्मी ऊपर से घूंघट हाय हाय मैं तो मर जाती यार। थैंक यू। मेरा सहरा पहनने से जितनी तुम खुश हो उससे ज्यादा रिलीफ तो मुझे मिल रहा है। मतलब विधि में इस तरह से बात नहीं करते। सॉरी कृपया आप लोग ये सब बातें बाद में करिएगा। जी आपको पता है ना वो नहीं होगी तो ये शादी नहीं हो सकती। आ जाएगी तो विधि कर अपनी पूरी। ये नीति परी को कैसे जानती है?
इनका क्या कनेक्शन एक दूसरे से? अपना हाथ आगे बढ़ाइए। पंडित जी एक मिनट रुक जाइए प्लीज। लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं? मैंने दाल मखनी और लच्छा पराठा के लिए कहा था ना, और आप लोगों ने ये क्या बनाया है? बस मैं बन रहा रेडी। बस रेडी है मतलब क्या होता है? अब तक खाना बन के रेडी हो जाना चाहिए था, और आप लोग कह रहे बस रेडी है। वीर जी ऐसा नहीं होता है, नीचे गेस्ट आ गए हैं, शादी शुरू हो गई और अब तक खाना नहीं बना है। वो तो अच्छा मैं टाइम पे आ गई और मैंने देख लिया, अभी कितना टाइम लगेगा? बस बन रहा है। जल्दी हो जाना चाहिए, आप लोग कितने लोग हो? बस चलता ना तो तुझे भी ले जाता यहाँ से। सबसे पहले तुझ पे ही नजर पड़ी थी मेरी, उस दिन तो बच गई थी और आज भी बच गई, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं बचेगी। आऊंगा वापस तेरे लिए मैं। सुनो तुम लोग ये क्या कर रहे हो? और ये कारपेट, इसे तुमने दूल्हा दुल्हन के कमरे में रखवाया था ना? अरे मैं कुछ पूछ रही हूँ ना, एक्सक्यूज मी, ये कारपेट लेके कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या है इस कारपेट में? आप लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे? आप लोग कुछ बोलेंगे? क्या है इस कारपेट में? नीति मैम ने हमें बुलाया था ना अपने कमरे में, इस कारपेट पे जूस गिर गया था, तो इसी को हटाने के लिए। अच्छा ठीक है, चलो और भी बहुत सारे काम है। पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है कि ये लोग कुछ छुपा रहे हैं। नीति से ही पूछती हूँ कि ऐसा कुछ हुआ भी था या नहीं। पुत्र मिली? नहीं दाई जी, ऊपर भी नहीं, मैं उस साइड देखता हूँ। ठीक है। हाँ देख, पता नहीं कितने रह गई ये कुड़ी। कहाँ है परी? तू बस ना अपनी शादी पे ध्यान दे, पंडित जी जो बोल रहे वो कर। परिणीत होगी यहीं कहीं, आ जाएगी पुत्र। पर आपको पता है ना मैं उस मैडम के बिना शादी नहीं कर सकती। वो आएगी ना मेरी सारी टेंशन ऐसे छू मंतर हो जाएगी चुटकियों में। छू मंतर बोलना बंद कर और जो पंडित जी मंतर पढ़ रहे ना उस पर ध्यान दे, समझी? हाँ पुत्र प्लीज। संजू पुत्र तू इसकी बातों पे ध्यान ना दे, वो परिणीत है ना, उसने शादी की सारी भागदौड़ संभाल रखी है, सारा काम अपने सर पे ले रखा है, आ जाएगी पुत्र। नीति चल तू शादी की रस्म कर। नहीं मुझे परी चाहिए, मुझे ना घबराहट सी हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मंडप से नहीं उठते, तू क्या कर रही है? शादी के मंडप से उठना अपशगुन होता है। अपशगुन कर रही है बेटा, चल बैठ जा। नीति ये क्या बचपना है, प्लीज बैठ जाओ, शादी शुरू करते हैं प्लीज। नहीं कर सकती, मतलब नहीं कर सकती यार संजू, मेरे ना सर घूम रहा, मुझे परी चाहिए अभी के लिए। क्या परी? तुम क्या कर रही हो? कहाँ है तू? मेरी बात सुन। परी? अरे पुत्र परी कहाँ है यार? परी शांत हो जा, आ जाएगी परी। ऐसे कैसे शांत हो जाऊँ? परी मुझे परी चाहिए। परी तू पागलपन मत कर, मेरी बात सुन। परी परी ये देखिए क्या पागलपन कर रही है, ये देखिए। परी कहाँ है तू? नीति को अचानक क्या हो गया, ऐसे क्यों चिल्ला रही है? नीति मेरी बात सुन, बंद कर ये पागलपन अपना, चुपचाप जाकर मंडप में बैठ, ड्रामा बंद कर अपना। चल मम्मी बड़ी घबराहट हो रही है, मुझे अजीब सा लग रहा है, जैसे पता नहीं। नीति पुत्र, नीति पुत्र, नीति परे, नीति मैं यहाँ हूँ। तेरी मेरी दोस्ती है जिंदगी की आस, मेरा दिल धड़क रहा है तेरे दिल के पास, साथ हमारे खुशियां हैं आई, हम तुम एक दूजे के है परछाई। क्या हुआ, तू ठीक है ना? तू दिख नहीं रही थी ना यार, तो स्ट्रेस हो गया था मुझे। मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगी, यहीं पे तो थी, और तू भी ना, अभी स्ट्रेस मत ले, मैं यहीं हूँ। देख ना परिपुत्र कितना बड़ा अपशगुन कर दिया इसने, बीच मंडप से उठ गई है। तू इसको कुछ समझा? तेरी बात सुनती है ये? नीति क्या हरकत है ये सब करने की क्या जरूरत थी? और मैं कहीं भाग थोड़ी ना जाती, यहीं तो थी। अब देखना बंद कर और सबसे माफी मांग। सॉरी
और सॉरी यार संजू, मैं ना बहुत नर्वस हो गई थी, पैनिक अटैक आ गया मुझे। सॉरी, आप लोग प्लीज नीति को बच्ची समझकर माफ कर दीजिए। एक्चुअली पंजाब की तो है, लेकिन इसे पंजाब के कल्चर के बारे में ना कुछ पता नहीं है, इसलिए इसे ये नहीं पता था कि ऐसे मंडप के बीच से उठते नहीं है, इसलिए तो इसने मुझे कल्चरल कंसल्टेंट रखा है। सारी गलती मेरी है, मुझे यहीं पे होना चाहिए था, सॉरी। अब शादी कंटिन्यू करें? हाँ हाँ पुत्र, बोल इसे मंडप पे बैठने के लिए, चला पकली कहेंगे। चल क्या जरूरत ये सब करने के लिए, यही तो थी। राजीव, मैं मैरिज कल्चरल कंसल्टेंट बनना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम लाइफ में कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहती हो। कहते हैं ना उसे, योलो, यू ओनली लिव वंस, लाइफ एक ही बार मिलती है, तुम्हें डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। आई एम प्राउड ऑफ यू। ओ, तो ये थी वो जॉब जिसकी बात कर रही थी परी। संजू, आई एम सो सॉरी, मुझे ना थोड़ा काम आ गया था, लेकिन अब कोई बात नहीं, मैं आ गई हूँ ना, अब तुम दोनों की शादी एकदम ट्रेडिशनल वाली कराऊंगी। पंडित जी, अब शादी शुरू कीजिए। जी। जल्दी कर भाई, इससे पहले कि कोई हमें देख ले। अच्छा ठीक है, तू बैठ बैठ जल्दी, चढ़ रहा हूँ मैं, चल चल भाई, गड्डी निकाल ले जल्दी। अबे आराम से, अबे देख। हो गया तेरा सेफ? अबे अंधा है क्या, गाड़ी पीछे ले। अबे अंधे जैसा तू चला रहा है, गाड़ी चलाने की तमीज नहीं क्या तुमको? बाहर निकाल ड्राइवर को, उसे तो मैं ठीक करता हूँ। अरे बच्ची भाग रही है, पकड़ उसे। रुको, मैं लाता हूँ पकड़ के उसको। ये तो नीति नहीं है। दलेर भाई, ये नीति नहीं है, ये तो कोई और ही है। नीति नहीं है क्या? क्या अबे ये किसको उठा लाया है? मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षम, मंगलायतनो हरि। अब वर वधू जयमाल के लिए खड़े हो जाएं। संजू ये ले। Come on. अरे सोच कह रहे हो लो? संजू पहनाओ।
बेटा ये सामग्री देना। सातवां वचन। सातवें वचन में पति वादा करता है कि वो अपनी पत्नी के साथ पूरी जिंदगी बिताएगा। संजू ऑल ओके ठीक हो ना? मुझे कहना था जब तुम जा रहे थे ना, जब तुम जा रहे थे तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जान, मुझे ऐसा लगा जैसे जैसे मेरा एक हिस्सा मुझसे दूर जा रहा। सब ठीक है ना संजू? मैं शादी नहीं कर सकता। संजू ये क्या मजाक कर रहे हो? ये कोई मजाक नहीं है। मैं शादी नहीं कर सकता। संजू संजू पुत्र, संजू पुत्र, संजू पुत्र ऐसा मत कर पुत्र। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। सब लोग आ गए हैं ऐसे बीच मंडप में, मेरी बच्ची को मत छोड़। वो तुझसे बहुत प्यार करती है, वो तेरे बिना नहीं रह पाएगी, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। मम्मी जी मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मैं शादी नहीं कर सकता हूँ। मैं शादी नहीं कर सकता मम्मी जी, मुझे माफ कर देना, मुझसे और नहीं हो पाएगा, मुझसे और नहीं हो पाएगा। ये बात सब पुत्र है, सब सब खत्म हो जाएगा, मुझे माफ कर देना। राजीव तू यहाँ दूल्हे के कपड़ों में, आखिर हो क्या रहा है ऐसा? नीति आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं पता राजीव लेके कपड़ों में क्या कर रहा है, सॉरी। हाजी ये तुम दूल्हे बन के यहाँ क्या कर रहे हो? ये शेरवानी, ये सब क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और संजू, संजू कहाँ है? तुम यहाँ हो तो संजू कहाँ है? क्या हो रहा है? ये हो क्या रहा है? हाँ हाँ बोलो। राजीव तेरी हिम्मत कैसे हुई मंडप में बैठी किसकी? राजीव, राजीव पुत्र बोल पुत्र, तू ये नीति के साथ यहाँ मंडप में क्या कर रहा है? सच सच बोल, चक्कर क्या है? नीति का दूल्हा संजू कहाँ है? राजीव तुझसे पूछ रहा हूँ मैं, ये बता। राजीव ये संजू है। नहीं नहीं, ये संजू कैसे हो सकता है? ये तुम मेरा राजीव है। राजीव तुम राजीव हो ना? तुम क्या क्या बोल रही है तुम? संजू क्या हो रहा है ये सब? मैं ही राजीव हूँ, राजीव मैं ही संजू, संजू ये बात सच है कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ, वो भी परिणीत के साथ। मैं नीति से प्यार करता हूँ, और वो भी तब से जब से मैंने उसको पहली बार देखा था। ये सब करते हुए मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था। परी मैंने तुमसे सिर्फ शादी इसलिए की थी क्योंकि मैं तुम्हें राकेश से बचाना चाहता था, हमारे बाबूजी की इज्जत मान सम्मान गाँव वाले के सामने बचाना चाहता था, इसलिए शादी की थी। उसके बाद मैं नीति से मिला एयरपोर्ट पे। हाँ मेरा कलीग संजू नाम का प्लेकार्ड लेके खड़ा था। मैं कहीं ना कहीं नीति से इतना प्यार करता था कि मैंने उसे बताया नहीं कि मुझे घर में राजीव बुलाते हैं।
परी मुझे माफ कर देना, मैंने हर दिन तुम्हें लेट डाउन किया, तुम्हें सताया, तुम्हें परेशान किया, लेकिन सच यही है कि मैंने तुमसे शादी सिर्फ इसलिए की क्योंकि क्योंकि बदले मुझे मेरा फ्रीडम मिल रहा था। मेरी माँ ने मुझे प्रॉमिस किया था कि मैं गांव छोड़ के बड़े शहर आ सकता हूँ, बड़े शहर चंडीगढ़ में मैं नीति से मिला और सोचा कि एक नई जिंदगी शुरू करूँगा। हमारी शादी से खुश नहीं थे, ये सब क्या है? बोलो ना, कुछ बोल क्यों नहीं रहे मम्मी जी? बोल पुत्र। जब मैं तुम्हें छोड़ के गया था पगफेरे वाले दिन, उसके बाद मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हारा चेहरा कभी दोबारा नहीं देखूंगा क्योंकि मैं नीति से प्यार करता था। मुझे माफ कर देना नीति, I'm so sorry, मैं जैसे आदमी को मैं कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। कटिया, चीटर, ये जा रही है मुझे तुमसे समझो। नीति, I'm so sorry, मुझे पता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे बहुत बड़ा पाप हुआ है, लेकिन मैं ये पाप और नहीं कर सकता। मुझे घुटन होती है अपने आप से, घिन आती है अपने ऊपर। परी, I know, जो मैंने गलती की है उसकी कोई माफी नहीं बनती है, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर देना। आई नो तुम गांव में हर उस इंसान से लड़ती थी जो मेरे बारे में भला बुरा बोलता था। आई नो तुम ये सोचोगी मैं कितना घटिया इंसान हूं, कितना गिरा हुआ इंसान हूं, लेकिन परी जो भी हुआ ना वो सब मेरी गलतियां थी। मैं और गलतियां नहीं करना चाहता, प्लीज अंडरस्टैंड मी। नीति, आई नो मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता हूँ, लेकिन मैं अपनी सारी गलतियां सुधारना चाहता हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं सच्चू है साहब, कितने सपने देखे थे हमारी शादी के यार। नहीं रुका बहन जी, दीदी, बेटी, मम्मी, मम्मी, कोई पानी लेकर आओ। दीदी, संजू क्या हुआ? बोलो भी, बोलो कि ये ऐसे टाइम पास कर रहे? नहीं, वो मेरा बस गला सूख रहा है, थोड़ा पानी चाहिए। रुको, पानी मैं बस अभी लेके आई। ये देखो, हाँ बैठे ये दोनों, सुनो कुछ भी करके इस बार इधर को उठा लेना बस। मेरा ना खून खोल रहा है इन दोनों को देख करके। हो जाएगा, इन दोनों को आज रात को ही साथ लेके जाएंगे, बस एक अच्छा मौका मिल जाए। ऊपर देख, वो लगता ऊपर से पानी गिर सकता है, काम हो सकता अपना, समझा? आ जा। ले, और कुछ चाहिए? अच्छा, संजू को चाहिए। संजू, संजू पानी। क्या करने जा रहा हूँ मैं? बहुत बुरा इंसान हूँ मैं, मेरे पापों का गला लगता है,
मारने वाला है। अरे बाप ये क्या हो रहा है? अरे अम्मा क्या अचानक? अरे पुत्र आप लोग ठीक हो ना? बारिश का पानी जमा होके गिर गया सारा। आप सभी को यहाँ से हटना पड़ेगा, पानी और भी गिर सकता है। देखिए आप लोग सब शांत हो जाइए, आप लोग अंदर जाके अपने अपने कपड़े सुखा दीजिए प्लीज। किसी को पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ। बहुत ऊंची चीज है तू दलेर। हाँ नीति पुत्र तुम भी जाओ, पुत्र अंदर चले जाओ, हम ये साफ करके तुझे बुलाती हूँ। कोई बात नहीं, आराम कर लेंगे, आप बैठ जाओ। सर आराम से स्लिप कर जाएंगे। किसी को वो कपड़े पोछे वाले को बुलाते हैं। हॉल वाले को बुलाओ, पानी फैल गया, ये कौन साफ करेगा? ये मोनिका ये अच्छी से साफ करके ले, आप टेंशन मत। गुरप्रीत तुम क्यों कर रही हो? कोई और कर देगा ना, छोड़ो इसे, चलो। सुखविंदर बहन जी आप भी ना एकदम परायों जैसा बर्ताव कर रही हो। अरे भाई मेरी बेटी की शादी है और बेटी की शादी में माँ नहीं काम करेगी तो कौन करेगा? लेकिन बहन जी शहर बदले रिश्ते नहीं बदले, आप जाओ आराम करो, मैं कर लेती। बहन जी शादी का इस प्रकार से रुकना शुभ नहीं माना जाता, इसलिए नारियल और पान का पत्ता बर के पास रखवा दीजिए, चीजें ठीक होने लगेंगी। ठीक है पंडित जी। हाँ जाओ तुलसी रख लो। हाँ जाओ। अरे पुत्र तुम्हें पता नहीं इसे बचा ले, तू मुझे दे और ये जो है ना नारियल और पान का पत्ता संजू को देकर, उसको बोलना उसके अपने पास रखेगा, जो भी बिगड़ा है ना सब ठीक हो जाएगा। हाँ ये पी ले जा। अच्छा मैं अभी देख के आती हूँ। अरे रुकिए तो जरा। अरे सुन लीजिए। अच्छा जाएंगे, डिस्टर्ब मत करो, जाओ यहाँ से। जाएंगे लेकिन आपको साथ लेकर जाएंगे। क्या क्या कहा तुम लोगों ने? और कौन है तुम लोग? कौन हो? पकड़ इसको। अरे दूल्हे राजा कौन है हम पता चल जाएगा अभी। शांत और तुम लोग शांत आ जाए। कोई कोई आ रहा है, कोई आ रहा है।